तो गाइस जबरदस्त देखिए क्रेज और जगत गुरु उड़ीसा के शंकराचार्य जी इसी रोड से जा रहे हैं। गाइस देखिए प्रशासन यहाँ पर सबको साइड करते हुए, हट जाइए भाई हट जाइए। तो देखिए प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी है और हमारे इसी घर के ठीक बगल से, ठीक है घर के बगल से देखिए हरियाणा मार देगा। तो इसी घर से बगल से देखिए जगत गुरु शंकराचार्य जी जाते हुए। गाइस हाय गाइस कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिमी बढ़ाकर में। गाइस तो अभी आए हैं गाइस से मार्बल के दुकान कुल्टी मार्बल हाउस। आप देख सकते हैं ये कुल्टी मार्बल हाउस का ये अंदर का ये सीन है और यहाँ पर काफ़ी वैरायटी में मार्बल्स है। अभी घर में जो टॉयलेट बाथरूम वाशरूम ये सब चेंज हो रही है, टाइल्स मार्बल के काम हो रही है। तो एक्चुअल में हम लोग का यहाँ पर आए हुए हैं, जो मार्बल का कुछ पीस घट गई थी ये लेने के लिए गाइस, और टाइल्स के कुछ एक्सचेंज करने आए हैं, डिज़ाइन जो है वो अलग आ रही है तो ले लिए है गाइस। अभी जा रहे हैं ऑटो थोड़ा से बुक करने के लिए, उसी में हम लोग माल ले जाएंगे जितने भी जो आइटम है। तो बने रहे वीडियो में गाइस। आज 28 से रमज़ान चल रहा है गाइस, बस 2 रोज़ा बाकी है, हम लोग ईद होने वाली है। और ऑटो के लिए ऑटो टेम्पो के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। अब मिल जाएगा तो यहाँ से हम लोग ले जाएंगे टाइल्स और मार्बल गाइस। तो गाइस ये ऑटो रिक्शा रिजर्व कर लिए है, ठीक है अब इसी में हम लोग ले जाएंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर वाला ले लेते हैं, है ना। चलो आराम से चलते हैं, चलो। तो गाइस अब हम लोग सीधा घर के तरफ जा रहे हैं, बस ज़्यादा माल नहीं है। देखिए 7 पीस मार्बल और टाइल्स थोड़ा सा चेंज की है, डिज़ाइन अलग मिल गया था। ये कुल्टी कॉलेज जाने का रास्ता है, इसी कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई थी गाइस। बस आज बार भीड़ है, आज 8 तारीख है, 8 अप्रैल मार्च बोल, इसके बाद हमारा मोहल्ला में इतना भीड़ कब हो जाएगा ना एकदम। दोपहर में देखिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं सब, दोपहर में भीड़ होगा। चलो ठीक है, देखिए गाड़ी जा रही है, शंकराचार्य जी आए हैं उड़ीसा के और उनकी गाड़ी जो है अभी रिटर्न होते हुए गाइस, अभी उनकी गाड़ी रिटर्न होते हुए इसी गाड़ी से शंकराचार्य जी आधा घंटा पहले इसी जगह से निकले थे गाइस। बैरिकेडिंग की हुई है, अभी लोग यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि शंकराचार्य जी जो है इसी जगह से गए हैं और वापस इसी जगह से आएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी ठीक बेगुनिया मोड़ है ये।
28 आज 28 रमजान कंप्लीट हुई है, उसको देखते हुए बढ़ाकर बाजार में काफ़ी भीड़ और साथ ही साथ बढ़ाकर में जगत गुरु उड़ीसा के शंकराचार्य जी भी इसी बढ़ाकर पर आए हुए हैं। तो गाइस देख सकते हैं, उसको देखते हुए बढ़ाकर मार्केट में काफ़ी भीड़ है गाइस। तो गाइस देखिए ज़बरदस्त भीड़ है, जाने को रास्ता नहीं है और इतनी भीड़ में जाने मुश्किल हो रही है। पूरी बढ़ाकर जो मार्केट है ज़बरदस्त भीड़ हो गई है गाइस। एक तो रमज़ान का मार्केट चल रही है और सिर्फ 2 दिन बाकी है, और उसके साथ ही बढ़ाकर सिद्ध सिंह मंदिर जो श्री श्री कोरांगो मंदिर में ज़बरदस्त जो 15 दिन का प्रोग्राम है वो उसका आज आखिरी दिन है, कल आखिरी समापन दिन है। तो उसको देखते हुए शाम का ये आखिरी रात है गाइस, और जगत गुरु उड़ीसा के शंकराचार्य जी बढ़ाकर श्री श्री कोरांगो मंदिर में आए हुए हैं और उनका भाषण देखिए, उनका जो धार्मिक जो प्रवचन चल रहा है, कुछ भाषण दे रहे हैं, कुछ प्रवचन दे रहे हैं, उसी को सुनने के लिए यहाँ पर जो भक्तगण हैं काफ़ी संख्या में इस सिद्धेश्वरी मंदिर, देखिए श्री श्री सिद्धेश्वरी मंदिर के इस कंपाउंड में आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है गाइस, और जाने के लिए पूरी तरह से रास्ता नहीं मिल रही है, लोग जहाँ खड़े हुए हैं वहीं से सुन रहे हैं गाइस। तो गाइस देखिए बढ़ाकर मार्केट, ये स्टेशन रोड का ये बेगुनिया मोड़ से ठीक करीब का ये आप व्यू देख रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है गाइस, लोगों का आना जाना एकदम मुश्किल हो रही है। प्रशासन काफ़ी मेहनत करके रोड क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रकार किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देख सकते हैं जो ऑफिसर है वो अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं ताकि गाड़ी निकल जाए और जो पैदल जा रहे हैं उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देख रहे तुमको हम बहुत लाइक फॉलो कर रहा हूँ, देख रहे तुमको कमेंट्स कर रहा है तुम्हारा ले ले रहे। हाँ छोड़ेगा छोड़ेगा छोड़ेगा, और सब ठीक है ना। भीड़ काफ़ी भीड़ गाइस, ये 8 अप्रैल है और ये जो 15 दिन का जो कीर्तन चल रही है, ये जो 100 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष में आज इस रात का ये आखिरी रात है, कल समापन है गाइस, वो दोपहर शाम तक समाप्त हो जाएगी। तो अभी जगत गुरु शंकराचार्य जी जो उड़ीसा से पधारे हुए हैं बढ़ाकर के श्री श्री गौरांग मंदिर में गाइस, तो उन्हीं का प्रवचन चल रहा है और उनको देखने के लिए उनके प्रवचन को सुनने के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई गाइस। जाने का रास्ता पूरी तरह से बैरिकेड कर दी गई है, बंद कर दी गई है गाइस। तो भक्तगण अभी जहाँ पर खड़े हुए हैं वहीं से देख रहे हैं, और मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरी रोड जो है वो भीड़ लगी हुई है गाइस, और ख़ासकर ईद की मार्केटिंग भी हो रही है तो उसको देखते हुए मार्केट में काफ़ी भीड़ है गाइस। ठीक है, घर के सामने में छोटी छोटी दुकान लगी हुई है तो लोग खरीदारी करते हुए गाइस, ये मेरी घर है और सामने में देखिए छोटी सी स्टोर लगी हुई है, तो यहीं से मंदिर परिसर में जाते हैं गाइस। एक ये रास्ता है और एक सिद्धेश्वर मंदिर का मेन जो बेगुनिया मोड़ स्टेशन रोड के बीच से वहाँ से रास्ता है गाइस। जोगना चाहिए तो सोना दी, रिलेटिव भोजन नहीं बना सकता क्या हमारे दीदी।
हिंदी तो आप देखे, हाँ बनारस है तो वो देखे तो वो उन्हें खुशी हो गए। चले चले ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हिना पूरा खुश हुआ। हिना देख बड़का भैया कपड़ा तेरे लाया, हिना तो बड़ा खुश हो गई है ना, हाँ पूरा सवाई मिठाई बड़का भैया वाह, अरे वाह मिठाई भी बढ़ रहा, वाह वाह बड़का भैया वाह। गाइज जबरदस्त है, देखिए क्रेज ओ जगत गुरु उड़ीसा के शंकराचार्य जी इसी रोड से जा रहे हैं। गाइज देखिए प्रशासन यहाँ पर सबको साइड करते हुए, हट जाइए भाई हट जाइए, तो देखिए प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी है। और हमारे इसी घर के ठीक बगल से, ठीक है घर के बगल से देखिए हरिया हरिया ना मार देगा, तो इसी घर से बगल से देखिए जगत गुरु शंकराचार्य जी जाते हुए गाइस, अब प्रशासन की गाड़ी जाते हुए और साथ में देखिए बाउंसर, ये बाउंसर जा रहे हैं और साथ में देखिए कुलटी के बढ़ाकर के ऑफिसर और सगत शंकराचार्य जी इसी गाड़ी में है गाइस, देखिए और इसके पीछे गाड़ी में शायद चले गए क्या, चले गए क्या, चले गए लग रहा है, अच्छा पीछे गाड़ी में नहीं आगे गाड़ी में था, तो गाड़ी में देखिए शायद पीछे गाड़ी में है गाइस, और प्रशासन पूरी तरह से एकदम पूरा सुरक्षा के साथ और शंकराचार्य जी इसी गाड़ी में शायद है, तो देखिए गाइस ये शंकराचार्य जी के देखिए, ये शंकराचार्य जी है देखिए इसी वाइट गाड़ी में जा रहे हैं गाइस, और यहाँ के प्रशासन पूरी अच्छी तरह से ले जाते हुए गाइस और अपने ठीक प्रस्थान कर रहे हैं अपना जहाँ से आए हैं गाइस, ये ठीक है घर के सामने से काफ़ी रौनक है गाइस। जबरदस्त है एकदम, ये देखिए ये बाउंसर है गाइस और साथ में जो शंकराचार्य जी के साथ जो जो आए हैं उनका गाड़ी में भी लोग जाते हुए गाइस, बहुत से लोग आए हुए हैं और चला गया आए थे गाइस, यस काफ़ी टाइट सिक्योरिटी के साथ शंकराचार्य जी को ले जाते हुए यहाँ से बढ़ा करके सर जमीन पर, और श्री श्री गौरांग मंदिर के 100 ईयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष में आज ये आखिरी रात है गाइस, इसी जो 15 दिन का जबरदस्त प्रोग्राम चली थी और आज जो चौदह दिन है गाइस और कल आखिरी दिन है गाइस, कल समापन हो जाएगी गाइस, और काफ़ी भीड़ गाइस सिद्धेश्वरी मंदिर और गौरांग मंदिर में लोगों का जबरदस्त भीड़ और बाज़ार में काफ़ी रौनक काफ़ी भीड़ और काफ़ी सिक्योरिटी के साथ यहां से अपने प्रवचन देने के बाद शंकराचार्य जी जो उड़ीसा के थे वो चले गए गाइस। कुलटी क्षेत्र के जितने भी ऑफिसर रैंक के हैं बढ़ा करके हैं काफ़ी अच्छे ड्यूटी करते हुए गाइस, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ यहाँ के जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं गाइस। हेलो गाइस, अरे वाह वाह वाह, हेलो हिना खुश ना, अभी खेला चल रहा था।
ठीक है गाइस, अभी 1:15 बज रही है गाइस, और करीब करीब मंदिर में 12 बजे तक पूरी रात कीर्तन हो रही थी गाइस। तो लास्ट नाइट थी, इसलिए काफ़ी भीड़ होने की वजह से लोग काफ़ी देर तक मंदिर में कीर्तन सुन रहे थे। तो गाइस अब 1 बजने जा रही है, अब 2 घंटे के बाद सो के थोड़ा सा उठ के सहरी भी करना है और लास्ट रोज़ा रखना है गाइस। तो लास्ट नहीं, 28 रोज़ा कंप्लीट हो गई, 2 रोज़ा बाकी है। तो कल 1 रोज़ा है, परसों 1 रोज़ा है। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक स्पेशल ईद के लिए, चांद रात के लिए, वो मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी अच्छी वीडियो होगी तो बना के मैं आपको दूँगा गाइस। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय गाइज़।